प्रोफेशनल कोर्सेज में जो क्रैक करना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए कोचिंग सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे उनसे। जो बच्चे मेरिट में भी आते हैं और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहे वो कहीं का भी हो, जम्मू और कश्मीर के अंदर कहीं का भी बच्चा हो, बिना किसी शर्त के उसके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाएगी। अभी जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, तो इसके साथ एजुकेशन, बच्चा जब बड़ा होता है तो उसे एजुकेशन की भी जरूरत पड़ती है। कई गरीब बच्चे तो एजुकेशन ले भी नहीं पाते हैं, उसी तरह इनका दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो गरीब बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन का, वो जम्मू कश्मीर यूटी का गौशाला खोलना। ये मैं आप सभी से कहूंगी कि अगर आप कहीं पर भी नॉन मिल्किंग काउज देखते हैं तो प्लीज इत्तला कीजिए, हम उन्हें सर्व करेंगे। और कई सारी चीजों के लिए ये हम जिम्मेदार होते हैं, जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो शायद हम बाहर निकाल देते हैं, तो ये गलतियां भी हमारी होती हैं, तो हमें ही ठीक करना पड़ेगा इसे। तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एंड नहीं आते मेरे ट्रस्ट के जो भी मेंबर्स हैं, जो भी ट्रस्टीज हैं हमारे ट्रस्ट के, वो हमेशा सिर्फ मेहनत करते हुए, काम करते हुए बैकग्राउंड पर दिखते हैं, लेकिन आगे कभी फ्रंट पे आज तक वो कभी कैमरा के आगे नहीं आए हैं। मैं उनको सबको बोलूंगी प्लीज आगे आइए, और ये सब इतने हैं कि शायद इनको और कई लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा एक रुपया भी नहीं लेगा। और मैं एक और बात बता दूं, अगर किसी को ज्यादा गरीब है उसे ज्यादा के भी पैसे मैं दूंगी, इसलिए। और ये दोनों के लिए है, जम्मू और कश्मीर के लिए, फिर से कहूंगी। दूसरी चीज, रिहैब सेंटर। आज आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी रैलीज होती हैं, एजुकेशन देने से कोई ठीक नहीं हो जाता, एजुकेशन देने से मुझे लगता है रैलीज निकालने से कोई ड्रग्स नहीं छोड़ता, तो इट इज फॉर देम। कोई भी, मैं जम्मू कश्मीर के सभी लोगों से कहती हूँ कि ये कुछ गलतियां हो जाती हैं बच्चों से, और इसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो ये एक एडवांस्ड रिहैब सेंटर हम ला रहे हैं, जहां पर फुल ट्रीटमेंट होगा आपका बच्चों का, और ये जर्मन टेक्नोलॉजी यूएसए के जो डॉक्टर्स हैं वो इन्हें ट्रीट करेंगे। मैं यही कहूंगी कि प्लीज हम जम्मू कश्मीर के किसी भी तरीके से हम उनकी मदद कर सके, बच्चों को सही रास्ते पे ला सके, एक भी बच्चे को, तो बहुत बड़ी बात होगी। और ये जम्मू और कश्मीर दोनों के लिए है। द थर्ड वन इज, आप जरा भी खोलने जा रहे हैं, जहां पर बच्चों को वापिस आम जिंदगी के साथ जोड़ा जाएगा। इसके साथ एक और जो कार्य है वो थोड़ा सा मेरे भी दिल के करीब है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर यूटी में जो गौ है उसे माता का रूप दिया गया है, तो एक गौशाला का भी प्रोजेक्ट जो है वो इस बार एड ऑन किया गया है। 6 साल तो देखा आपने कि जितना हमारे पास हो सकता था, जितना ये वेलफेयर सोसाइटी कर सकती थी उसने किया, लेकिन अब कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हम लेके आए हैं, तो मैं आज कुछ गेस्ट जो हमारे हैं उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं अदिति मैम जी से रिक्वेस्ट करूंगा, वो थोड़ा सा आज के प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताएं और थोड़ा सा आज के ऑडियंस को अवेयर करें। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, और जम्मू कश्मीर के सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे 6 साल इतना प्यार दिया कि आज हम सभी लोग, मैं कहूंगी कि ये मैं कुछ अकेले कर नहीं सकती थी, ये सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत है कि आज हम इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं अदिति वेलफेयर इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से। और ये सभी लोग जो मेरे सहयोगी हैं, इन सब की मेहनत की वजह से, ये सभी मेरे ट्रस्ट के लोग हैं, और आप सभी की मेहनत की वजह से आज हम ये सब करने जा रहे हैं। और मैं कुछ चीजें, एक और बात बता दूं जो शायद ये भूल गए, कि ये सभी प्रोजेक्ट्स, जो 5 प्रोजेक्ट्स की बात करी है, ये हर एक प्रोजेक्ट जो जम्मू में लगेगा वही प्रोजेक्ट कश्मीर में भी लगेगा। ये दोनों जगह के लिए, कश्मीर में और जम्मू के लिए, दोनों के लिए प्रोजेक्ट्स खुलेंगे। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसका जम्मू कश्मीर का कोई भी इंसान किसी भी वजह से लाभ नहीं उठा सकता। इसमें कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ना आपकी पार्टी, ना कुछ। इसे कभी भी राजनीति के साथ रिलेट मत कीजिएगा, किसी रिलीजन के साथ रिलेट मत कीजिएगा, किसी चीज के साथ मत कीजिए। ये चैरिटी है और आप लोगों की वजह से है, आप लोगों के लिए है, आप सभी लोगों के लिए। पहली चीज, इट्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसकी मैं बात करूंगी। ये हॉस्पिटल ये दोनों जगह है, जम्मू में भी और कश्मीर में भी। इसमें ऑफ कॉस्ट इनका इलाज है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए।
द सेकेंड वन इज द रिहैब सेंटर, दैट विल बी द एडवांस्ड रिहैब सेंटर. मैं जम्मू कश्मीर को ये कहूंगी कि जम्मू और कश्मीर दोनों के लिए प्रोजेक्ट्स होंगे, और जो भी ड्रग एडिक्ट्स लोग हैं उनके लिए पूरा ट्रीटमेंट होगा. जर्मन टेक्नोलॉजी एंड यूएसए के जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर उनका इलाज करेंगे, दैट विल बी ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड द थर्ड वन विल बी कोचिंग सेंटर, जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, KSIS, बैंकिंग या जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए क्रैक करने के एग्जाम्स क्रैक करने के लिए एग्जाम वो होते हैं कोर्सेज, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दोनों जगह, जम्मू और कश्मीर दोनों के लिए. द फोर्थ वन इज अ गौशाला. नॉन मिल्किंग काउज को हम सर्व करेंगे. प्लीज़ आप कहीं पर भी देखें तो प्लीज़ उन्हें यहाँ पर हमें इतला कीजिए, हम उन्हें सर्व करेंगे. द फिफ्थ वन इज अ सराय, जो पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए होगी. जो भी लोग यहाँ पर जम्मू में आते हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड होटल्स, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो प्लीज़ मैं सिर्फ आज इतना ही कहूँगी कि ये सब कुछ आप सभी जम्मू कश्मीर के लोगों के सहयोग से हुआ है. जो भी हमारे ट्रस्ट के मेंबर्स हैं उनके सहयोग से, उनकी मेहनत से आज हुआ है, आज हम इतना कर पाए हैं. थैंक यू वेरी मच 6 साल के लिए. और मीडिया को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि मीडिया की वजह से खासकर, और सभी लोगों की मैं शुक्रिया अदा करती हूँ. मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती थी. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.